आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दाल लिए हैं और ये अरहर की दाल है और आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में दाल तड़का। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कटोरी के करीब हम दाल लिए हैं और इसे 10-15 मिनट के लिए धो के भिगो दिए थे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुकर रख दिए हैं और उसमें तेल को डाल दिए हैं 2 से 3 चम्मच। अब यहाँ पे हम उसके लिए तड़का तैयार किए। ये मीडियम साइज़ की 2 प्याज हैं, इसको महीन महीन काट लिए हैं। अब ये देख सकते हैं लहसुन है, इसे लंबा लंबा, और अदरक भी उसी तरह से, और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे देखिए ऐसे काट लिए हैं, और ये करी पत्ता है। तो अब देखिए तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद हींग डाल देंगे और ये मिर्च डाल देंगे। उसके बाद ये करी पत्ता डाल देंगे और सबको चला देंगे थोड़ा सा। और ये प्याज डाल देंगे। अब हम सबको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर काटे थे छोटा छोटा, इसे भी डाल देते हैं और सबको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे 1 चम्मच और थोड़ा सा और इसमें 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे सबको और 2 मिनट हम टमाटर को भी भून लेते हैं। अब हम दाल को डाल देते हैं यहाँ पे। दाल को भी थोड़ा सा भून लेते हैं हम इसके साथ, मसाले के साथ। दाल थोड़ा सा भून गई है, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं अपने अंदाज से। अब 1 कटोरी हमारी दाल थी तो हम इसमें मीडियम साइज के गिलास से 3 गिलास के करीब पानी डाल दे रहे हैं। देखिए अब हम दाल में ढक्कन लगा दे रहे हैं और इसे 3 से 4 सीटी हम होने देंगे, हम चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है। चलिए यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हम घी रख दिए थे, गरम हो गया है, तो इसमें हम ये जो लहसुन दिखाए थे उसे अब डाल देते हैं इसमें से। और ये हमारी अदरक है, इसे भी डाल देते हैं। चलिए अब हम इसे दाल में तड़का लगा देते हैं। ये देखिए दाल में तड़का लग गया। तो अभी हम एक तड़का आपको और बता रहे हैं जो ढाबे में लगाया जाता है, तो चलिए उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चारकोल लिए हैं और इसे हम गर्म कर रहे हैं। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही गर्म करना है अच्छे से, थोड़ा सा ये लाल हो जाए फिर हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने चारकोल को इस कटोरी में रख दिया है और इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर घी डालेंगे और इसके बाद इसमें की जो खुशबू है अब वो हमारे दाल में पूरे अच्छे से हो जाएगी। तो हम इसे अब ढक देते हैं। चलिए अब हम कटोरी को इसमें से निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी खुशबू दाल में हो गई है, तो अब हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे और पूरी दाल को ऐसे मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दाल हमारी तड़के वाली तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी अब तड़के वाली तैयार हो गई है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आज की हमारी ये ढाबा स्टाइल दाल आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरह से एक और अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।